तो नमस्कार, हेलो दोस्तों, स्टार भी एग्जाम टेक्स अड्डा में आप लोगों का स्वागत है। तो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, विज्ञान रेलवे भर्ती परीक्षा में जो पिछले वर्षों में पूछे गए क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है, वो मैं सारा का सारा प्रश्न इसमें लाऊंगा। और अगर आप चैनल पर नई और पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को ज़रूर से ज़रूर लाइक से सब्सक्राइब कीजिए और हमारे चैनल पर बने रहिए। और इसमें काफ़ी अच्छा क्वेश्चन देखने को मिलेगा और इसमें साइंस में आप लोगों को बेहतरीन से बेहतरीन क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। इसके साथ मैं साइंस लेवल में जितने भी प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं मैं उनको लाऊंगा, और प्लस में फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो के सभी अलग अलग पार्ट इसमें बनने वाला है। तो प्लीज़, अगर आप चैनल पर नए हैं तो पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल के लास्ट तक बने रहिए। और इसमें अच्छे अच्छे प्रश्न, और इसमें जो भी प्रश्न दिखाया गया है विज्ञान रेलवे भर्ती परीक्षा में, जितने भी प्रश्न पिछले वर्ष में पूछे गए हैं या जो आने वाले हैं, वो सभी इसमें आपको देखने को मिल जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, आप लोगों का समय न लेते हुए मैं वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। आइए देखते हैं। देखिए, विज्ञान रेलवे भर्ती परीक्षा, तो इसमें आप लोग देखेंगे कि एनिलिडा ग्रुप में मुख्यतः कौन कौन जंतु आते हैं। तो जोंक और केचुआ आता है। आर्थ्रोपोडा ग्रुप में मुख्यतः कौन कौन जंतु आते हैं? तिलचट्टा, मच्छर, खटमल, मक्खी। मोलस्का ग्रुप के अंतर्गत मुख्य कौन कौन से जंतु या कीट आते हैं? घोंघा, सीपी। इकाइनोडेट्रा संघ के अंतर्गत मुख्यतः कौन कौन से जंतु आते हैं? तारा मछली और ब्रिटिश स्टार। यह पूछे हुए क्वेश्चन है जो पिछले वर्ष में आप ज़रूर इसको देखेंगे, तो यह पिछले वर्ष में जितने भी रेलवे ने पूछा है प्रश्न बायो से, वह मैं सभी इसमें कराने वाला हूँ। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा और देखते रहिए। मनुष्य का पाचक क्रिया का प्रारंभ कहाँ से होता है? मुख से। अशुद्ध रक्त किससे निकलता है? सिराए द्वारा। कौन सा रक्त प्रवाहित होता है? तो हम कह सकते हैं अशुद्ध रक्त होता है। धमनी द्वारा कौन सा रक्त प्रवाहित होता है? तो शुद्ध रक्त होता है। सिराओं, देखिए इसमें क्या है, सिराओं द्वारा कौन सा रक्त प्रवाहित होता है? तो आप उसको कहेंगे अशुद्ध रक्त प्रवाहित होता है। और धमनी से जो निकलता है, इसे माइटोकांड्रिया, माइटोकांड्रिया में क्या है, उसमें रक्त संचरण परिसंचरण होता है। और धमनी से जो निकलने वाला रक्त होता है या प्रवाहित होता है, फ्लो करता है, वह शुद्ध रक्त होता है। और सिराओं के माध्यम से अग्रसिरा, पश्चिमाशिरा आप लोग जरूर पढ़े होंगे इंटर और हाई स्कूल में, उसमें देखेंगे कि उसमें अशुद्ध रक्त प्रवाहित होता है। तो आइए चलते हैं, आगे देखते हैं। और जो भी मैं बताता रहता हूँ उसको आप जरूर से ज़रूर कॉपी और नोट्स बनाइए और इसमें सारे सारे प्रश्न आप लोग देखिए। एक बार देखने के बाद आप लोगों को दोबारा रिवीजन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो आइए अगला देखते हैं, अगला क्या है। तो कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है? बी तथा सी। और सोडियम का कार्य है, यह रक्त दाब नियंत्रित करने में सहायक होता है तथा जल का संतुलन बनाए रखता है। और चौथा है, पोटेशियम का कार्य होता है, यह हृदय की धड़कन एवं नाड़ी संस्थान के कार्य को संचालित करता है। पोटेशियम का क्या कार्य करता है? यह धड़कन तथा कार्यों को संचालित करता है। आइए देखते हैं। ग्लूकोज बिना ऑक्सीजन की उपस्थिति में मांसपेशियों में प्रतिक्रिया कर बनाया जाता है, लैक्टिक एसिड बनाता है। ग्लूकोज बिना ऑक्सीजन की उपस्थिति में बैक्टीरिया या ईस्ट से प्रतिक्रिया करके क्या बनाता है? तो कार्बन डाइऑक्साइड और जल का निर्माण होता है। एनिलिडा में उत्सर्जन उसके किस उत्सर्जी अंग द्वारा होता है? नेफ्रिडिया। ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मूत्र का पीएच मान क्या होता है? 6 होता है। देखिए, मैं पीएच मान का एक अलग से वीडियो लाऊंगा और इसमें सारे के सारे पीएच मान आपको मैं बता दूंगा क्या होता है, कैसे क्या होता है। तो आइए देखते हैं, आगे चलते हैं। अब आगे देखते हैं इसमें दोस्तों, बहिश्रावी अंतःस्रावी दो प्रकार की ग्रंथियाँ होती है। यह किसमें होती हैं? यह अग्नाशय में होती हैं। यह कहाँ होती है? अग्नाशय में होती है। पीयूष ग्रंथि तथा पिट्यूटरी ग्रंथि को किस नाम से जाना जाता है? मास्टर ग्रंथि इसको कहते हैं। स्प्रिंग को आप सामान्य लंबाई पर वापस लौटाने के लिए लगने वाला बल कहलाता है प्रत्यानयन बल। पौधों के लिए सबसे अच्छा उर्वरक कौन है? कंपोस्ट है। पेट्रोलियम किस प्रकार की चट्टानों में पाया जाता है? औषधीय चट्टानों में। गुब्बारों को उड़ाने के लिए काम में लाई जाने वाली गैस कौन सी है? देखिए, गुब्बारे को उड़ाने के लिए काम में लाई जाने वाली गैस है हीलियम गैस। तो DDT का उपयोग किस रूप में किया जाता है? कीटनाशी के रूप में उपयोग किया जाता है। इथाइनिल के अत्यधिक सेवन से कौन सा अंग प्रभावित तो होता है? यकृत का। सब अम्लों में अनिवार्य रूप से पाए जाने वाला पदार्थ क्या है? हाइड्रोजन। तो देखिए दोस्तों, जो भी मैं क्वेश्चन आप लोगों को बता रहा हूँ ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है और इसको आप अगर एक बार देख लेंगे तो दोबारा आप लोगों को याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो हमारे चैनल के लास्ट तक बने रहिए। ये पिछले वर्ष के जितने भी सारे प्रश्न हैं मैं उसको आपको सामने ला रहा हूँ।
और यह वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगता है। प्लीज़ मेरे प्यारे दोस्तों, यह आपके माध्यम से अगर आप लोगों को यह वीडियो बहुत अच्छा लगता है तो आप ज़रूर इस पर लाइक शेयर कमेंट कीजिए। चलिए आगे देखते हैं प्यारे मित्रों। देखिए, आग लगने तथा फैलने की सबसे कम संभावना किस वस्त्र से होती है? तो वह किस वस्त्र से होती है? सूती वस्त्र से होती है। सूती वस्त्र में क्या होता है, जैसे कहीं अगर आग लग जाती है तो उसमें सूती वस्त्र इस तरह का नायलॉन फैक्रॉन होता है उसमें, कि वह फटाफट आग को पकड़ने लगता है। तो आग लगने तथा फैलने की सबसे कम संभावना किस वस्त्र से होती है? कम संभावना सूती वस्त्र से होती है। और तेरीकाट वगैरह रहेगा तो उसमें नायलॉन वगैरह रहेगा तो बहुत तेज़ी आग लग जाती है। लोहा का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत कौन सा है? हरी सब्जियाँ। देखिए, अगर आप में कभी काल क्या होता है, पेशेंट वगैरह को हरी सब्जियाँ खाने के लिए कहा जाता है तो उसमें क्या होता है, आयरन की कमी होती है, इसलिए डॉक्टर लोग उसको क्या करते हैं, मतलब बताते हैं लोगों को कि अरे आप हरी सब्जियाँ खाइए क्योंकि उसमें आयरन की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है। गैसोलीन को किसके साथ मिश्र करके गैसोहल बनाया जाता है? एथाइल एल्कोहल। तत्कालिक ऊर्जा के लिए धावकों को कौन सा पदार्थ दिया जाता है? जो धावक दौड़ते हैं कभी काल हरासमेंट होता है तो उनको ग्लूकोज दिया जाता है डिहाइड्रेशन के कारण। मानव जाति के लिए ओजोन परत को क्यों महत्वपूर्ण है? परावैगनी किरणों को रोकने के लिए एक रक्षा आवरण बनाती है। देखिए, ओजोन परत से क्या अल्ट्रावायलेट किरणें निकलती हैं जो परावैगनी किरणें कहा जाती है। वह ओजोन मंडल से होकर गुजरती है ताकि वह शरीर पर हमारी नुकसान न पहुँचा सके। देखिए, आंत ज्वर यह टाइफाइड के लिए सामान्यतः उपयोग की जाने वाली औषधि कौन है? क्लोरोमाइसिजिन। गैस की लौ सबसे गर्म हिस्से को क्या कहते हैं? ज्योतिहीन क्षेत्र यानी नॉन ल्यूमिनस जोन कहते हैं। देखिए, इतने प्यारे प्यारे क्वेश्चन आप लोगों को मिल रहे हैं। अगर आप लोगों को यह मेरा चैनल अच्छा है, यह वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए और आगे भेजते रहिए। तो आगे देखते हैं हम लोग प्यारे दोस्तों, सोने का शुद्ध रूप कितने कैरेट का होता है? यानी 24 कैरेट का होता है। सिनेबार किसका अयस्क है? पारा का। शरीर के ताप का नियंत्रण किसके द्वारा होता है? लाल रक्त कणिकाओं के द्वारा यानी RBC के द्वारा। कशेरुक दंड में कितनी हड्डियां होती हैं? 33 यानी 33। BCG का पूरा नाम क्या है? बैसिलस कैलमेटे ग्यूरिन। एथलीट फुट नाम रोग किससे होता है? कवक द्वारा होता है। देखिए, कितने प्यारे प्यारे क्वेश्चन और काफ़ी पिछले वर्षों में पूछे गए, ये आप लोगों को देखने को मिल रहा है तो प्लीज़ इसको नोट्स करते रहिए और आगे शेयर करते रहिए। दमा नामक रोग किससे होता है? कवक द्वारा होता है। फाइलेरिया नामक रोग किस कारण से होता है? कृमि। देखिए, फाइलेरिया अलग चीज़ होता है और एथलीट फुट अलग चीज़ होता है। यह कवक द्वारा होता है या फाइलेरिया किसके द्वारा होता है? कृमि वार्म के द्वारा होता है, फीता कृमि। जब एक वस्तु की गतिज ऊर्जा दोगुनी हो जाती है यानी की जाती है तो उसकी गतिज ऊर्जा पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो यानी उसकी गतिज ऊर्जा क्या होती है? 4 गुनी के बराबर हो जाती है या 4 गुनी बढ़ जाती है। तो चलिए आगे देखते हैं, वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। सूत्रकणिका को अन्य नाम से भी जाना जाता है। सूत्रकणिकाओं को किस नाम से जाना जाता है? माइटोकांड्रिया। वट वृक्ष पादपों किस वर्ग में आता है? आवृतबीजी। फ्लेम ऑफ द फॉरेस्ट वन की ज्वाला का अर्थ है ऐसे पेड़ों से भरा वन जो पतझड़ में फूलते हैं और लाल फूल बिखेरते हैं। देखिए, कितना फैंटास्टिक क्वेश्चन और आज का यह सबसे बेहतरीन क्वेश्चन है। फ्लेम ऑफ द फॉरेस्ट वन की ज्वाला का अर्थ क्या है? ऐसे पेड़ों से भरा वन जो पतझड़ में फूलते हैं और लाल फूल बिखेरते हैं। पेनिसिलिन किससे बनाया जाता है? कवक के द्वारा बनाया जाता है। लाइकेन के दो जीवधारियों का सहजीवी साक्षर्य समझा जाता है, वो दो जीव कौन कौन से हैं? शैवाल एवं कवक। आमतौर पर संश्लेषित वृद्धि माध्यम और बेकरी में कम मिलाया जाने वाला एगार किससे प्राप्त होता है? शैवाल से प्राप्त होता है। लौंग किससे प्राप्त होती है? पुष्प कलिकाओं द्वारा प्राप्त होती है। तो प्यारे मित्रों, आप लोग बने रहिए और लास्ट तक इसको देखते रहिए। यह सभी प्रकार के एग्जाम में काम होने वाला एक क्वेश्चन है, चाहे वह SSC का हो, चाहे रेलवे का हो, चाहे स्टेट लेवल एग्जाम हो, चाहे UP लेखपाल हो, या UP पुलिस हो, या UPSI हो, सब में आपको देखने को मिल जाएगा। और खास करके रेलवे वाले बच्चे इसको जरूर से ज़रूर पढ़े और ग्रुप डी वाले बच्चे इसको ध्यानपूर्वक देखें। और यही सारे प्रश्न आप लोगों को रिपीटेड में मिलेंगे और काफ़ी अच्छा स्कोप आप करेंगे साइंस के सब्जेक्ट पर। तो प्लीज़ वीडियो के लास्ट तक बने रहिए और देखते रहिए। और हमारे चैनल पर आप नए हैं तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए। अनशन या उपवास की लंबी अवधि के दौरान शरीर में अशर्करा वर्गीय पूरावर्ती से पाक्षा शर्करा ग्लूकोज का मधुजन ग्लाइकोजन बनने की विधि का नाम क्या है? तो ग्लूकोनोजनन इसको कहते हैं। आगे देखिए, सभी जीवधारियों में पाए जाने वाला कौन सा यौगिक है जिसमें भरपूर मात्रा में फॉस्फोरस पाया जाता है? न्यूक्लिक अम्ल में।
भारत में केंद्रीय धान अनुसंधान केंद्र कहाँ है? कटक उड़ीसा में है। किस वैज्ञानिक को प्रकाश संश्लेषण पर कार्य करने के लिए नोबेल पुरस्कार मिला है? तो मेल्विन कैल्विन को। चलिए आगे देखते हैं किस पदार्थ के संचय से मांसपेशियों में थकावट पैदा होती है? तो लैक्टिक एसिड के कारण हमारे शरीर में क्या होता है? थकान महसूस होती है, यानी दर्द महसूस होता है। किस रुधिर कोशिकाओं की मदद से रोगों के प्रति प्रतिरोध पैदा होता है? लसिकाणु, यानी लिम्फोसाइड जिसको कहते हैं। मनुष्य में लाल रुधिर कोशिकाओं का जीवन की अवधि कितनी होती है? 120 दिन होती है, 120 डेज होता है। शिरा रिक्त रक्त को ऑक्सीकरण के फेफड़ों तक किसके द्वारा ले जाया जाता है? तो फुफ्फुस धमनी होती है, उसके माध्यम से हम ले जाते हैं। कृत्रिम गुर्दा किस सिद्धांत पर कार्य करता है? अपोहन, यानी डायलिसिस। एक व्यक्ति की आंखों का रंग काला, नीला या भूरा उस पर वर्ण पिगमेंट पर आश्रित है, किस में पाया जाता है? तो यह परितारिका यानी आयरिस के माध्यम से होता है। जब आँख में धूल चली जाती है तो कौन सा हिस्सा सूझकर गुलाबी हो जाता है? तो नेत्र श्लेष्मा कहते हैं या कंजक्टिविटा कहते हैं, कंजक्टिविया यह कहते हैं। तो आइए देखते हैं और अगला आगे का प्रश्न देखते हैं। आगे देखते हैं बच्चों के दूध पीते समय स्तनों में दूध का निष्कासन किसकी मदद से होता है? तो यह ऑक्सीटोन की मदद से होता है। निषेचन सामान्यतः कहाँ होता है? डिम्ब वाहिनी यानी नली, फैलोपियन ट्यूब इसको कहते हैं। कृत्रिम वीर्य सेचन के उद्देश्य से वृषभ वीर्य को किसमें संचित किया जाता है? द्रव नाइट्रोजन में। किस पादप का पुष्प सबसे बड़ा होता है? रैफ्लेसिया। असत्य फल मुख्य रूप से कौन कौन से हैं? तो नारियल और कटहल। किसी वृक्ष की आयु कैसे पता चलती है? वलियों को गिनकर। देखिए किसी वृक्ष की आयु को अगर आप पता करेंगे, यानी उसकी एज कितनी है या कितने साल का है, तो वलय को गिन करके पता चलता है। जल संवर्धन हाइड्रोपोनिक्स क्या है? बिना मिट्टी के पादप उगाना। इसी को आजकल देख रहे होंगे, जल संवर्धन बहुत सी खेतियाँ हो रही हैं, ऑर्गेनिक खेतियाँ हो रही हैं, आप लोग इसमें देख सकते हैं। किसी वैज्ञानिक को अनुवंशिकी का पिता कहा जाता है? ग्रेगर मेंडल को। किसी बच्चे का लिंग निर्धारण किससे होता है? पिता के गुणसूत्रों के द्वारा होता है। मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? 46 होती है। तो प्यारे मित्रों, आप हमारे वीडियो में अंत तक बने रहे, इसके लिए धन्यवाद। और आगे का वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को जरूर से जरूर लाइक से सब्सक्राइब कर कीजिए, अगर यह वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा तो। धन्यवाद दोस्तों, थैंक यू।